आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्जाम 2023 का बीएससी पार्ट थ्री का केमिस्ट्री पेपर वन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन पेपर आपको एनालाइज कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 8 नंबर के, एक एक नंबर के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उच्च चक्रण D4 अष्टफल की जटिल आयन की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होगा। तो देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए, आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कोबाल्ट 2+ आयन का चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण है। तो ऑप्शन दिया है, आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। निम्न में कौन सा समूह सर्वाधिक ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करता है, करेगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए। अष्टफल की क्षेत्र में स्पेक्ट्रोस्कोपी पद पी का मूलिकेन संकेत है। बहुत सारे संकेत होते हैं इसमें, मूलिकेन संकेत आपको बताना है पी का। चौथा, पांचवा देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन दिए, आयरन CO5, निकिल CO4, निकिल CO6, VCO6। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 2-2 ये आंसर सही होगा। निम्न में किसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित है, विटामिन सी में, विटामिन के में, विटामिन B12 में, विटामिन ए में। तो 8वां लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NPCl3 होल ट्वाइस 3। इसमें आपको वो बताना है, संकरित कक्षक अवस्था बताना है इसमें कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, 10 नंबर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें अथवा भी दिया होता है तो आपको आसानी पड़ जाएगा। NH3 अमोनिया में जटिल लवण बनाता है जबकि NH4+ नहीं बनाता, क्यों, समझाना इसको, बहुत ही आसान है। निम्न में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए, क्रोमियम 3+ अष्टफल की तीव्र क्षेत्र, आयरन +3 अष्टफल की दुर्बल क्षेत्र, देखना है आपको। निम्न में मूल अवस्था पद संकेत बताइए D1 और D5 तक। लौह चुंबक को समझाइए एवं एक उदाहरण दीजिए, अथवा में है। निम्न के IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है आपको, इसके नोमेनक्लेचर की वीडियो हम अपलोड कर देंगे आपको बहुत ही सरल तरीके से, आप देख सकते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या उदाहरण सही समझाइए, पोरफाइब्रिन क्या है, हीम की संरचना का केवल आरेख बनाइए, हीमोग्लोबिन में बोहर प्रभाव को संक्षेप में समझाइए, मृदु अम्ल एवं मृदु क्षार की लाक्षणिक गुण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सिलिकॉन तरल एवं सिलिकॉन रबड़ के बनाने की विधि बताना है और उपयोग लिखना है। देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अथवा में होते हैं, 5 नंबर के होते हैं। तो पहला है, वर्गाकार समतली संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाना है बहुत ही सरल तरीका से। विषम प्रभाव क्या है, विषम प्रभाव की स्थिति विद्युत ध्रुवण सिद्धांत को समझाइए, LS युग्मन क्या है, उदाहरण सहित LS युग्मन के प्राप्त पद संकेतों को स्पष्ट कीजिए, अष्टफल की एवं चतुष्फल की क्षेत्र के D1 एवं D9 विन्यास के लिए आर्गेल का चित्र बनाइए, निकिल कोबाल्ट 4 में बैक बॉडिंग का समझाइए, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक की क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। ऐसे ही और बहुत सारे दिए हैं, जिंगलर नाटा नोमेनक्लेचर उत्प्रेरक क्रियाविधि आप उससे देख सकते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप की संरचना एवं क्रियाविधि समझाइए, हीमोग्लोबिन की संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझाइए। लास्ट हम देखते हैं, SHAB सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, कॉपर 2+ सिल्वर +, प्राकृतिक में सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है, AgFe2- संकुल की अपेक्षा AgI2- संकुल ज़्यादा स्थायी है, समझाना है आपको, अथवा देखते हैं। ट्राइफॉस्फोजीन में बंधन की प्राकृति को समझाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे वीडियो हम 2023-2024 में आपको क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस अपलोड करते हैं, ये आपको बहुत ही आसान होगा। हम कहीं भी से आपके लिए 2023 के क्वेश्चन पेपर लाते हैं, 2023 के क्वेश्चन पेपर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।